Hi everyone, I hope you all can see me. If yes, do let me know. Yes. Good morning, Lakshman Deepa and Rashika. Yes. Good morning, Antra. Good morning, Jignasha, Pooja, Madhur. Thank you. Good morning, Alka. Good morning, Jayashree. Good morning, Nilesh. Good morning, Seema. Good morning, Monica. Good morning, Neenu, Barkha. Yes. So, good morning, everyone. First of all, thank you so much for showing up every single day. And I hope you all love the session, जो भी हमने अभी तक कंडक्ट करे हैं. And yes, good morning. Thank you everyone for your appreciation, and I really appreciate you all that you all can see the beauty. If it means that your heart is beautiful. So, because we can only see the beauty in other person if the beauty is present inside of us. That's the only reason. Because सेम दैट मतलब मैं जैसी हूँ सेम ऐसे ही कई लोगों को शायद मैं अच्छी नहीं लगती होंगी. सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन रिफ्लेक्शन, दैट्स इट. सो यू हैव द रिफ्लेक्शन. इफ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट मीन्स यू आर रिफ्लेक्टिंग. दैट्स इट. यू आर रिफ्लेक्टिंग ब्यूटी, यू आर रिफ्लेक्टिंग हीलिंग्स, यू आर रिफ्लेक्टिंग विजडम, एंड यू आर रिफ्लेक्टिंग नॉलेज. दैट्स वट इट्स ऑल अबाउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरी वन. एंड बहुत लोगों का इनर चाइल्ड हीलिंग के जो हमारा सेशन रहा कल और परसों, बहुत लोग ओवरवेलम फील करा बट बहुत लोगों ने कनेक्ट फील करा. एंड उसी चीज़ को लेते हुए बिकॉज बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे ग्रुप में कि अरे आई एम फीलिंग ओवरवेलम, आई एम फीलिंग सैड. सम पीपल आर सेइंग अरे आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग पीसफुल. सो फीलिंग्स प्लेज वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन टू अवर लाइफ, राइट? फीलिंग्स से ही हम अपना सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं ना. दैट इफ आई फील हैप्पी, ओके आई एम फीलिंग हैप्पी, दैट मीन्स आई एम ब्लेस्ड. इफ आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, दैट मीन्स आई एम नॉट ब्लेस्ड. इफ आई डोंट फील अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, इट मीन्स आई एम सफरिंग. इफ आई एम नॉट फीलिंग जॉय, इफ आई एम फीलिंग जॉय, इट मीन्स दैट आई एग्जिस्ट. सो the important role is played by the feelings. So in the morning only I was thinking. मतलब मेरा माइंड सेशन से पहले बहुत सारा चलता है, बहुत एक्टिव हो जाता है. माइंड नहीं बोल सकते हम, बिकॉज ऐसा ऐसा माइंड चलता है जो मेरा सारा दिन नहीं चलता. उसके बाद मैं नॉर्मल रहती हूँ. सो इन द मॉर्निंग लाइक हमारे अंदर हम सभी को पता दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसमें इस पूरे आज की टॉक में जो हमारी 10-15 मिनट की रहेगी इसमें हम बात करेंगे पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ प्रेजेंस. कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है प्रेजेंट रहना. और उसी में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है. जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स जब हम फील करते हैं, आप लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, राइट? आई हैव दिस. आप साथ में फीलिंग भी लिखते हो, आई हैव दिस एंड आई फील गुड. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें जो भी हमें चीज़ें मैनिफेस्ट करनी होती हैं, जो भी कुछ करना होता है, हम प्रेजेंट में देखते हैं. सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में देखते हैं, ना कि हम ऐसे सोचते हैं कि फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास ये होगा. नहीं, हम बोलते हैं ये ऑलरेडी है मेरे पास, राइट? सो हम उसके साथ फीलिंग्स अटैच कर देते हैं. फीलिंग्स में क्या होता है कि आई एम फीलिंग ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस, आई एम फीलिंग जॉयफुल दैट आई हैव दिस, आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई हैव दिस, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई हैव सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, राइट? हम फीलिंग लिखते हैं, प्रेजेंट में टेंस लिखते हैं, जो भी हमें मैनिफेस्ट करना होता है साथ में फीलिंग लिखते हैं भी अभी हम इस टाइम पे ये फील कर रहे हैं. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें यही टीच करता है टू बी इन द प्रेजेंट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी फ्यूचर में बोलता ही नहीं है, फ्यूचर के बारे में है ही नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही बोलता है टू बी इन द प्रेजेंट, टू बी हेयर एंड नाउ, टू फील गुड दैट यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, टू फील दैट यू आर ऑलरेडी हील्ड, टू फील दैट यू आर ऑलरेडी जॉयफुल.
सो दैट्स वाई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आता है हैप्पीनेस. हमें लगता है ना कि अरे आई रियली वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई डोंट नो कैसे मैं खुश फील करूँ. बिकॉज आपने जो अपनी हैप्पीनेस होगी मे भी बाहर किसी फ्यूचर में किसी इवेंट को दे रखी होगी कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो जाएगी तो आई विल बी हैप्पी. बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो टीच द सेम दैट यू हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट, आफ्टर दैट यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस इन टू योर लाइफ. सो यू हैव टू बी हैप्पी का मतलब ये नहीं है कि अरे आप ऐसे कुछ भी सोच रहे हो. जस्ट बी हैप्पी इन दिस मोमेंट, जस्ट फील हैप्पी फॉर वट एवर यू हैव, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव. एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद आती हीलिंग. हीलिंग ऑल्सो हैपन्स इन प्रेजेंट. एक्चुअली हीलिंग में आप लोगों को मैं क्या टीच करती हूँ, या जितनी भी मैंने बुक्स रीड करी, जितना मैंने सेशंस अटेंड करे हैं, या मैं जो मेरा अपना कुछ एड ऑन चीज़ें रहती हैं, सो उसमें सबको हर किसी को मैं यही टीच करती हूँ, टू बी, टू सिट विद इट वट एवर यू आर फीलिंग. बिलीव मी इफ यू स्टार्ट सिटिंग विद द फीलिंग्स यू विल बिकम अ वेरी पीसफुल पर्सन. बट अभी फिर आपका टारगेट हो जाएगा, ओ आई वॉन्ट टू अचीव पीस, सो पीस इज हेयर एंड नाउ, पीस बाहर नहीं है. यू विल सिट हेयर, यू विल बिकम पीसफुल हेयर ओनली. एंड अगर आप फ्यूचर में कुछ गड़बड़ करोगे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू आर फीलिंग लाइक नहीं, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही, तो यू विल फील डिस्टर्ब. सो वही चीज़, वो चीज़ कहाँ पे होगी, फ्यूचर में होगी. सो जो हीलिंग होती है, जो पर्सन इंटेंसली प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द सेशन, इंटेंसली चीज़ों को फील करता है, इंटेंसली चीज़ों को अपने आप को फील तो करता ही है, बट उसको देख रहा होता है, उसको अवेयर हो रहा होता है कि अच्छा आई एम फीलिंग एंग्री, ओ आई एम फीलिंग एंग्री. और आप जब उसको अवेयर हो जाते तो वो एंगर वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है. मे भी थोड़ा टाइम ले, बिकॉज आपके अंदर वॉल्केनो है, फीलिंग्स के साथ फीलिंग अटैच है. एंगर के पीछे इनसिक्योरिटी हो सकती है, एंगर के पीछे फियर हो सकता है, एंगर के पीछे जजमेंट हो सकती है, राइट? बट बिलीव मी, जब आप अवेयर होने लग जाओगे दैट हु यू आर इन द प्रेजेंट एंड यू एक्सेप्ट एवरी सिंगल थिंग एज इट इज. मतलब प्रेजेंट का मतलब ये है कि हम ये तो सोच ही नहीं रहे कि ये चूज कर रही हूँ, ये चूज कर रही हूँ, यू जस्ट एक्सेप्टिंग एवरी सिंगल थिंग विदाउट एनी रेजिस्टेंस. हाँ, बट यू आर चूजिंग टू फील गुड विदाउट एनी कंडीशन. कंडीशंस कहीं पे, अब अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कंडीशंस भी अप्लाइड नहीं है. अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, वहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाइड नहीं होती. यू जस्ट हैव टू बी विथ योर सेल्फ, लाइक बी बीइंगनेस, दैट इज वट आई वॉन्टेड टू से. बीइंगनेस मतलब वननेस विद द गॉड, वननेस विद द यूनिवर्स एंड प्रेजेंस. और ये जो प्रेजेंस होती है, वी हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी सिंगल डे. इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट यू लूज इट, एंड इफ यू लूज द प्रेजेंस यू लूज वट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, यू विल लूज वट यू वॉन्ट टू हील. सो फॉर दैट those who are in severe anxiety things and all, those who are feeling like ki, oh I'm not able to concentrate, mera mind bahut overthink kar raha hai ye wo, I really recommend you all to read this book. This book can change you, The Power of Now. This book can change you as a person. This book changed me as a person actually. This book was the first book I ever read in my life, the first book. बिफोर दैट, सॉरी नॉट द फर्स्ट बुक, द सेकेंड बुक. द फर्स्ट बुक वॉज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दैट आई रेड इन 2017, बट मुझे इतना समझ नहीं आया था. बट आफ्टर दैट आई रेड दिस बुक, दैट इज पावर ऑफ नाउ. एंड दिस बुक इज हाईली रिकमेंडेड टू ऑल द पीपल हु फील एंशियस, हु हैव द फीलिंग लाइक कि आई एम इन डिप्रेस्ड, आई ऑलवेज स्टे स्ट्रेस, आई एम नॉट एबल टू सिट विद द थॉट्स, आई एम नॉट एबल टू understand other people, I am not aware what is happening around me, I am not aware what is happening inside of me. Got it? I think there is some net home. Yes. Am I audible?
Yes, am I audible? So, this book is very, very important if you really want to become a conscious, if you really want to become Shiva. Right? So, Shakti, what is Shiva and Shakti is within us only. Shakti is we are thinking different thoughts, we are moving here and there, we are feeling something like कई बार अच्छा कई बार बुरा. सो इट्स एनर्जी जिसको शक्ति बोलते हैं. राइट? सो जब हम अवेयर होने लग जाते कि हमारी शक्ति हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ पे जा रही है, तब हम कॉन्शियस हो जाते, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसको हमारे वेदा में बोलते हैं शिवा. द शक्ति इज ऑल्सो प्रेजेंट विद इन अस, मतलब एनर्जी. द शिवा इज ऑल्सो प्रेजेंट विद इन अस, दैट अवेयरनेस इनसाइड ऑफ ऑल ऑफ अस. एक्चुअली इट्स नॉट लाइक कि मेरे में है तुम लोगों में नहीं है, या मेरे में कम है ज्यादा. इट्स एवर प्रेजेंट, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते. शिवा कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, शक्ति कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी इज ऑलवेज प्रेजेंट. समटाइम इट्स क्रिएशन वाली एनर्जी हो सकती है, समटाइम ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हो सकती है. शिवा इज ऑलवेज अवेयर ऑफ द एनर्जी, दैट्स इट. सो वी हैव टू जस्ट जेंटली मूव अवर फोकस और अटेंशन फ्रॉम शक्ति टू शिवा. दैट्स इट, दैट्स इट. सो द बुक ऑफ द ऑथर ऑफ दिस बुक इज इकार टोल. सो हाउ यू कैन रीड दिस बुक? मैक्सिमम पीपल जो होते हैं वो इसको बुक को ये. सो सॉरी, एक्चुअली एकदम से बीच में नेटवर्क इशू हो गया, तो अभी क्या कहते हैं वो नीलेश को वो बन गई थी होस्ट. सो सॉरी. हम कहाँ पे थे? यस. सो हम कहाँ पे थे? सभी लोग इस बुक को रीड कैसे करना, आई थिंक यही तक आप सभी मेरे साथ थे. राइट राइट? यस, डू लेट मी नो यस और नो सो दैट आई कैन गो. आप सभी को शिवा एंड शक्ति वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. यस. सो ये बुक है द पावर ऑफ नाउ, रिटन बाय इकार्ट टोल. एंड टिल नाउ आई हैव रीड दिस बुक 5 टाइम्स. दिस इज द बुक, दिस इज द बुक. लाइक आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, अराउंड 300+ बुक्स, बट ये बुक ऐसी है जिसके पास मैं बार बार आती हूँ. एंड एज आई एम होल्डिंग दिस बुक आई कैन फील द वाइब्रेशन, बिकॉज आई रियली फील कनेक्टेड टू दिस बुक. सो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु फील लाइक कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस बुक. बहुत लोग हैं जिनको समझ नहीं आता ये बुक कहना क्या चाहती है. बिकॉज दिस बुक नीड्स योर प्रेजेंस. विदाउट योर प्रेजेंस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस बुक. इस बुक को अगर आप रीड करना चाहते, समझना चाहते, आपको सारे फोन एंड ऑल साइड पे रखना होगा, सब कुछ साइड पे रखना होगा और ये बुक को रीड करना होगा एवरी सिंगल डे फॉर 15 to 20. और मैं कहती हूँ 1 आवर तक. धीरे धीरे अपना आपका टाइम अपने आप चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इतनी इंटेंस मेडिटेशन हुई है. सो दिस इज अ बुक, ये बुक है जब जैसे जैसे आप रीड करोगे ये प्रेजेंस की मेडिटेशन है. एक्चुअली यू कैन परचेज इट फ्रॉम एनी वेयर. आई एम नॉट, यस आई एम एडवर्टाइजिंग द पावर ऑफ प्रेजेंस.
Yes, I am advertising. This is what I can say because this book changed me and this book helped lots of people who read it again, again and again. जिन लोगों ने इसको बार बार रीड किया है उनको पता चला है, बिकॉज बार बार हम प्रेजेंस हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि आज मैंने रीड कर लिया, आज मुझे समझ आ गया कि प्रेजेंस क्या होती है, और उसके बाद जैसे आपको समझ आ गया उसके बाद अगर आप पास्ट फ्यूचर के बारे में सोचो, समझ लो आपने प्रेजेंस को खो दिया. दैट्स इट. सो प्रेजेंस इज टू बी फर्स्ट इन द प्रैक्ट. आपको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आफ्टर दैट यू स्लोली विल बिकम अवेयर दैट आई एम प्रेजेंट और नॉट. यस. सो दिस इज ऑल अबाउट द बुक दैट इज प्रेजेंस. और आप सभी लोगों को पता है आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो भी प्रेजेंस में होती है. जब हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन करते हैं उसमें भी हम प्रेजेंस में सब कुछ, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन हेयर एंड नाउ. लाइक इन द मॉर्निंग ओनली आई वॉज डूइंग द मेडिटेशंस एंड वाइल चैंटिंग सम प्रेयर्स आई फेल्ट लाइक कि अरे एकदम से मेरे माइंड में आया दैट 1 अगस्त टू 31 अगस्त, दिस इज अ टाइम लाइन राइट. उसके बाद दिस वीक 1 मंडे टू संडे, दिस इज द टाइम लाइन. स्टार्टिंग ऑफ द डे और एंड ऑफ द डे, दिस इज द टाइम लाइन. स्टार्टिंग ऑफ द आर एंड ऑफ द आर, लाइक सुबह 9 बजे गए हैं, 10 बजने वाले हैं राइट. सो स्टार्टिंग एंड एंड. उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे जो 1 मिनट है स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, बट बीच में जो चीज़ चलती है दैट इज द प्रेजेंस एंड वी हैव टू बिकम दैट मच अवेयर. एंड इफ यू आर अवेयर एंड यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, यू कैन हील योर सेल्फ ईजिली. सो वट एवर इमोशंस दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ इज जस्ट अ शक्ति, जस्ट एनर्जी. फर्स्ट यू हैव टू बी कॉन्शियस एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल चेंज. मे बी द शक्ति द एनर्जी दैट इज इन साइड ऑफ यू इज डिस्ट्रक्टिव राइट नाउ, दैट्स वाई यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर फियरफुल एंड ऑल. बट इफ यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ द डिस्ट्रक्टिवनेस, बिलीव मी दैट एनर्जी दैट इज इन साइड ऑफ यू, द शक्ति दैट इज इन साइड ऑफ यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग, बिकॉज नाउ यू हैव द स्पेस. सो ये चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और क्या कहते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है हीलिंग, दैट इज़ इनर चाइल्ड हीलिंग. और इनर चाइल्ड हीलिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ एज अ पर्सन, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसके एक सिंपल एग्जाम्पल आपको मैं, दो एग्जाम्पल्स दूंगी, आपको उसमें पूरा इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, आप सभी को पता होगा जो ट्रीज होते हैं राइट, ट्री होते हैं, और आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा और आप घर पे भी देख सकते हो. और उसमें ट्रीज होते हैं, आपने देखा है कि ट्री है, और अगर आप किसी ट्री को, मतलब एक कंट्री में तो ऐसा है कि अगर किसी ट्री को उन्होंने काटना होता है तो उसको बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत गालियाँ निकालते हैं, बहुत अब्यूज़ करते हैं, और उसके कुछ टाइम बाद ही वो ट्री गिरने लग जाता है. और आप खुद भी उसको क्या कहते हैं, ट्राई कर सकते हो, एक प्लांट लेकर आओ, उसको बहुत गलत बोलो, बहुत बोलो दैट तुम अच्छे नहीं हो, तुम नहीं ग्रो कर सकते, ऐसे ऐसे करके, बिलीव मी वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, मे बी वहीं पे ख़त्म हो जाए. और अगर आप किसी प्लांट को बोलो कि अरे यू आर लुकिंग सो परफेक्ट, आई रियली लव यू, बस यही बोलना है आई लव यू, बिलीव मी आप देखोगे कि वो प्लांट बहुत फ्लोरिश करेगा. एंड दिस इज़ वट आई डिड. मतलब मेरे घर पे एक प्लांट था शम्मी, आपको पता होगा शम्मी पत्ती का, तो आई रियली यूज टू, मतलब एवरी सिंगल डे मैं उससे बात करती थी कि ये शम्मू हाउ आर यू, यू आर लुकिंग सो गुड, यू आर शाइनिंग, यू आर ग्रोइंग. एंड दैट प्लांट इज़ लाइक इतना बड़ा हो गया है विदाउट, लाइक क्या किया मैंने, आई जस्ट इट गिवन द पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड द जो हम उस पर्सन को देते हैं या उस प्लांट को दे रहे हैं राइट. सो एग्जैक्टली अगर हमें चाइल्डहुड में बोला गया हो कि दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू विल फील, बिकॉज यू नो कि अच्छा यही है मेरी एक्सिस्टेंस.
और अगर आप में से बहुत ही लोगों को बोला गया होगा या आपके ही घर में आप आसपास सोच के देखो कि जिस पर्सन को बोला गया बचपन से कि ये तो किस्मत वाली है, ये हमारी लड़की किस्मत वाली है, ये हमारा लड़का किस्मत वाला है, वो पर्सन चाहे कुछ करे या ना करे उसको इतना पता होता है कि मैं किस्मत वाला हूँ एंड उसकी लाइफ वैसे ही चेंज हो जा होती रहती है, वैसे ही वो अट्रैक्ट करता जाता है। और जहाँ पे किसी को पर्सन को बोला गया हो कि नहीं तुम हमारे लिए लकी नहीं हो, तुम्हारी तो किस्मत ठंडी है भाई, हमारे जैसे इधर पंजाब साइड हो तुम्हारी किस्मत ठंडी है, सो ठंडी का मतलब ये है कि बिल्कुल स्लो है, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। सो पर्सन जो ऐसे बिलीव करता है कि हाँ मेरी किस्मत अच्छी नहीं है या मेरी किस्मत ठंडी है, तो मीन्स आप वैसे ही अपनी लाइफ में सक्सेस हो या अपना रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, आप वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज डीप इनसाइड आपका बिलीफ बन गया है जब बार बार आपको बोला गया दैट यू आर नॉट गुड इनफ और आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। ऐसे करके हमें पता नहीं 50 चीज़ें बोली गई हैं नोइंगली और अनोइंगली। और स्पेशली हमें ऐसे तो आप सोचो कि बहुत लोग बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है, फिर तो मेरे तो कचरा हो जाना चाहिए। नहीं, हमारे ऊपर उन लोगों का इम्पैक्ट पड़ता है जो हम बचपन में 50 लोगों से मिलते हैं, 100 लोगों से मिलते हैं, बट उन लोगों का इम्पैक्ट पड़ता है जो हमारे क्लोज होते हैं, जिसमें हमारे केयर टेकर, प्राइमरी केयर टेकर, हमारे मदर फादर आ जाते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो पूरी फैमिली आ जाती है, बिकॉज बच्चे को जब आता है बर्थ लेता है तो उसको देखता है बच्चा कि ओके ये मेरे सारे लोग हैं और इनके ऊपर मुझे ट्रस्ट करना है, बिकॉज बच्चा चल नहीं सकता, बच्चा बोल नहीं सकता, वो टोटली डिपेंडेंट है अपने केयर टेकर्स के ऊपर। तो केयर टेकर्स उसको जैसे ही फील करवाएंगे, जैसे उसको बोलेंगे, वो पर्सन वैसे ही सीखेगा, राइट। और उसके बाद इसमें हमारे सिबलिंग्स भी आ जाते हैं, इसमें हमारे टीचर्स भी आ जाते हैं, उसके बाद हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। जिस पर्सन को हम अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट फील करते हैं वो हमारे ऊपर मेंटली इम्पैक्ट करता है। वो आपके साथ आज भी होता होगा कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर उसने बोल दिया दैट तुम क्या कर रही हो या क्या कर दिया तुमने, यू विल फील सो बैड। और अगर यही आपको 50 लोग, अननोन लोग आके बोल जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लांट। अगर हम प्लांट को भी ऐसे कोस कोस के बड़ा करेंगे, उसको इतनी नेगेटिविटी देंगे, तो वो पहली बात बड़ा हो नहीं पाएगा, अगर बड़ा हो भी गया तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, फ्रूट्स अच्छे नहीं दे पाएगा। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज एनिमल्स। आप सभी को पता होगा एलिफेंट, एलिफेंट को बचपन से ही एक छोटी सी रस्सी के साथ उसको बांध दिया जाता है, बचपन से ही उसको बांध के उसके साथ खड़ा कर दिया जाता है कि हाँ ये तुम्हें बांध रखा है। सो उसकी प्रोग्रामिंग जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे हो जाती है, चाहे वो इतना बड़ा है कि वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट उसको अपनी पावर का पता ही नहीं, बिकॉज उसको बचपन से सिखाया गया कि तुम्हारा इसके साथ रस्सी बांध दी गई है और तुम्हें यहीं पे खड़े रहना होगा, नाउ यू आर पावरलेस, यू कैन नॉट मूव, राइट। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज एनिमल। प्लांट्स अपने आप को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव एनी इंटेलेक्ट, राइट। उसके बाद एनिमल्स अपने आप को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव एनी इंटेलेक्ट ऑल्सो, बट वी एज अ ह्यूमन, अगर हमें भी ऐसे ऐसे सिखाया गया है, ऐसे ऐसे बिलीफ दिए गए हैं जो हमें सर्व नहीं कर रहे, जो हमारे हमें पता आगे आने वाले बच्चों को सर्व नहीं करेंगे, आने वाले जनरेशन को सर्व नहीं करेंगे, तो हम उसको चेंज कर सकते बिकॉज वी हैव द इंटेलेक्ट, वी हैव द इंटेलिजेंस इन साइड ऑफ अस, दैट्स वाई वी आर ह्यूमन, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योर इनर चाइल्ड, बिकॉज जब हम अपने हीलिंग ऑफ इनर चाइल्ड का मतलब क्या है, हम अपने बिलीव्स को देखते हैं, हम अपने देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम कोई पास्ट, जैसे आप लोगों को उस दिन में सेशन में कुछ कुछ आप लोगों ने अपने इवेंट याद करे, तो इवेंट से क्या याद हुआ आपको, अरे ये मेरे साथ हुआ था, वहाँ पे आपको क्या आया, एंगर आया, वहाँ पे आपको क्या आया, फियर आया, वहाँ पे आपको क्या आया, फ्रस्ट्रेशन आई, और फ्रस्ट्रेशन के नीचे आपका कोई बेसिक आपका वो पता होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका बेसिक बिलीफ क्या बना हुआ है, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, राइट, या आई एम नॉट स्ट्रांग, या आई एम नॉट ब्यूटिफुल। सो दैट्स हाउ पावरफुल द इनर चाइल्ड हीलिंग इज, दैट्स हाउ पावरफुल द बिलीव दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू। एक्चुअली इवन आई हैड द बिलीव दैट आई एम नॉट ब्यूटिफुल 2 years before, till 2 or 3 years before, if someone used to say me that you are beautiful and I used to judge that person,
He's telling a lie, or he or she is telling a lie. He's just making the fun of me. Because I had the strong belief since childhood that I am not good or I am not beautiful. You don't look like people used to say, हमारे ऐसे होते ना कंपेयर करते कि योर फादर एंड मदर, लाइक आपके मम्मी पापा ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल. सो आई यूज टू लाइक फील लाइक ओ आई एम नॉट ब्यूटीफुल बिकॉज मैं अपने मम्मी पापा पे कहीं नहीं गई. सो यस आई नो, राइट नाउ आई नो आई एम ब्यूटीफुल. बट द थिंग इज कि जो चीज़ें हमें चाइल्डहुड में बता दी जाती है, ऐसे ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, इससे बहुत भी चीज़ें एग्जाम्पल आती है कि तुम पढ़ नहीं सकती, तुम कुछ काम नहीं कर सकती. और रिसेंटली मतलब मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करा है. आप भी जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट थिंक अबाउट द वन वर्क दैट यू लव द मोस्ट, जिसमें आपको लगता है कि लोग आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि अरे यार यू आर डूइंग ग्रेट. यस, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि साउथ इंडियन कुछ पता नहीं उसका समंथा, समंथा नाम है कुछ ऐसे करके. यस आई लुक लाइक हर, शी लुक्स लाइक मी मे बी, बट आई हैव माई ओन आइडेंटिटी. यस सो एवरीवन, इफ आई अप्रिशिएट यू, और या आपको किसी पर्सन ने आप जो भी काम करते हो उसमें अप्रिशिएट किया होगा और आपको वो काम करना बहुत अच्छा लगता होगा, बिलीव मी राइट. अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अपने घर पे ली थी अपनी एग्जाम्पल, अपनी मदर को मैं बोल रही थी अभी रिसेंटली, मैं उनको बोल रही थी अरे यार आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो. एंड एवरी सिंगल डे जैसे ही वो सुबह उठती है उनको लगता है कि आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ, बिकॉज शी इज रिसीविंग द अप्रिसिएशन एंड दैट्स वाई शी रियली वॉन्ट टू लाइक डू द थिंग्स. शी इज फीलिंग द मोटिवेशन टू डू द थिंग्स, बिकॉज इफ वी डोंट रिसीव द अप्रिसिएशन, इफ वी रिसीव दैट तुम अच्छा नहीं कर रहे हो या तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम तो अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हो, क्या होगा? यू विल नॉट फील मोटिवेटेड. सो दोज ऑफ यू हु आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टू डू एनी थिंग दैट मीन्स यू आर नॉट रिसीविंग अप्रिसिएशन ऑफ इट. एंड इफ यू आर नॉट रिसीविंग अप्रिसिएशन ऑफ इट फ्रॉम द आउटसाइड, यू कैन स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ. दैट्स वाई वी से द सेल्फ लव, यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर द वर्क दैट यू वॉन्ट टू डू एंड सो दैट यू कैन फॉल इन टू लव विद द वर्क दैट यू डू. राइट, सो एग्जैक्टली सेम इन द चाइल्डहुड. अगर आपको चाइल्डहुड में अप्रिसिएशन नहीं मिली, बिलीव मी आपको कभी कोई मोटिवेशन आ नहीं सकती. आपको सेल्फ सपोर्टेज थॉट्स होंगे, सेल्फ क्रिटिसिज्म वाले थॉट्स होंगे. अगर आपको चाइल्डहुड पे अप्रिसिएशन आपने बहुत देखे होंगे, आसपास वाले लोग या बच्चे या अपने घर पे भी हो सकता है कि किसी पर बच्चे को बहुत ऐसे मिलते हैं अरे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, ये तो एकदम से कर लेते, एक तो एकदम से कर लेते, तो कर रहा है बच्चा, अपने आप कर रहा है. और अगर किसी बच्चे को तुम नहीं कर सकते तो वो नहीं कर पा रहा है, दैट्स ट्रू. बट वी एज अ ह्यूमन वी हैव द इंटेलेक्ट एंड वी कैन चेंज इट एंड दिस इज ऑल अबाउट द हीलिंग. एंड आई रियली फील गुड फॉर यस्टरडे मानसी जी शेयर्ड विद मी, शी वॉज विद मी इन द 3 मंथ्स कोर्स जो मैंने लास्ट मंथ में लिया था, लास्ट ईयर लिया था. एंड उसमें वो थी मेरे साथ, उनकी एज 60+ है, 60-65+ है आई थिंक सो. और वो अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना चाहती थी. दैट 65-year-old पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद द इनर चाइल्ड बिकॉज शी रियली फेल्ट कि देर इज समथिंग रॉन्ग हैपन विद मी इन द चाइल्डहुड. एंड उनको कनेक्शन बनाने में बहुत टाइम लग गया बिकॉज ऑफ द एज, बिकॉज ऑफ द मेमोरीज, बीच में इतना कुछ आ गया कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी. बट स्टिल शी यस्टरडे शेयर दैट शी रियली फेल्ट कनेक्टेड. सो इनर चाइल्ड हील या तो आप आज कर लो या 60+ एज में बैठ के कर लेना, इट्स अप टू यू. एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर दैट शी इज अवेयर दैट एट 65+ एज वो पर्सन अपना क्या कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहा है. इवन कि हमारे घर पे जो ओल्ड एज होते थे फील लाइक हेल्पलेस,
हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी तो जिंदगी ऐसी है, ऐसी कटती, एंड स्टिल शी इज़ डूइंग द वर्क एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि उन्होंने इनको मेरी लाइफ में सेंड भेजा। मतलब ये मेरी ग्रैंड मदर की एज के हैं, स्टिल उन्होंने अपने ऊपर इनर चाइल्ड हीलिंग का वर्क करा एंड स्टिल शी इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद हर इनर चाइल्ड। बिकॉज जब मैंने इनसे क्वेश्चंस करे थे कुछ कुछ के उनके पेरेंट्स को लेकर एंड वो चीज़ें, और तब इनको पता चला था कि वो चीज़ें तो वहाँ से आ रही हैं, जो भी बीच में कचरा हुआ वो वहाँ से है। उन्होंने तो सारी लाइफ निकाल ली, बीच वाला जो 40s 30s 40s 50s 60s वो निकाला है, बट उसका मेन रूट चाइल्डहुड ही है। चाइल्डहुड से ही शी इज़ नॉट फीलिंग लव्ड। दैट्स वाई जब कोई पर्सन चाइल्डहुड से लव फील नहीं करता, फिर वो सफ़र कहाँ पे करता? पहले अपने पेरेंट्स के साथ, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर अपने पति के साथ, अपने इन लॉज के साथ। जब पति इन लॉज मतलब आगे आगे चल पड़ते, एज हो जाती है, चलो वो चीज़ ख़त्म हो जाती, फिर उनका इंटरेस्ट हो जाता अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और फिर वो फील करता है कि मेरे बच्चे भी मुझे प्यार नहीं करते। सो इट्स अ हाई टाइम टू जस्ट स्टॉप थिंग्स हेयर एंड स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ। इफ यू रियली वॉन्ट टू फील लव्ड, यू हैव टू लव योर सेल्फ, दैट्स इट, राइट? सो द नाउ द सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल, दैट इज ब्लू सोलर वाटर। आप सभी को पता है कि डॉक्टर ह्योलिन ने, मोरा सिम्योना ने अपने वो बोलते हैं कि एक बॉटल, ये बॉटल आपको अमेजोन से मिल जाएगी, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। आई थिंक फ्लिपकार्ट में इसका प्राइस 300 350 है, अमेजोन पे इसका प्राइस 500 है। इसको आप डेली सनलाइट के अंदर रख सकते हो फॉर 30 मिनट्स और फॉर 1 आवर और फॉर 2 आवर्स। 30 मिनट्स भी सफिशियंट है, और जब सन की रेज इस ब्लू लाइट में पड़ेंगी तो एक अच्छे मतलब अच्छे वाले जो मिनरल्स है या केमिकल्स है वो रिलीज होते हैं, जो हमें हेल्पफुल करते हैं हीलिंग में। सो ये चीज़ तो है ही है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, हमारी प्रेयर्स बहुत पावरफुल होती हैं, और जब हम प्रेयर सच में दिल से करते हैं एक्चुअली, कितने लोग होपोनोपोनो कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो होपोनोपोनो मेरे साथ करते हैं, मेरे सेशन में अटेंड करते हैं, उनको कितना अच्छा फील होता है, बिकॉज आई डू इट फ्रॉम द हार्ट, राइट? और जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस है वो बहुत ब्यूटीफुल पैदा होती है। आप लोगों को क्या करना है, वो तो करना ही करना है। उसके साथ जब आप बॉटल को अपने वापस अपने रूम में लेकर आओगे, तो आप सभी लोग एक प्रेयर लिखोगे, लिखोगे नहीं सॉरी बोलोगे, या आप उसके ऊपर चिपका भी सकते हो लिख के, इसके ऊपर पेपर से लिख के उसके ऊपर चिपका भी सकते हो। दैट इज़ प्लीज़ ओपन योर डायरी या शीट, वट एवर यू हैव, और अगर नहीं है इट्स ओके, ये प्रेयर आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगी। एक बार मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। सो आई होप सभी लोगों ने डायरी ओपन कर ली होगी। सो द प्रेयर इज, आई अलाउ दिस वाटर टू क्लीन, आई कैन नॉट राइट हेयर, यू विल गेट इट इन द ग्रुप, राइट? आप ग्रुप में हो ही ऑलरेडी। आई अलाउ दिस वाटर टू क्लीन, प्योरिफाई एंड रिलीज। ये आ वाटर आपको, आपकी फैमिली को, आपके इंसेस्टर्स को, जो भी, बिकॉज हमारे, हम अपने इंसेस्टर्स से ही बने, हम अपनी फैमिली से ही हैं, आगे 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 बढ़ते आए। सो जो भी आपके इंसेस्टर्स हैं, सारी पूरी जनरेशन को क्लीन करने के लिए प्रेयर है। प्योरिफाई एंड रिलीज मी, माई फैमिली एंड माई इंसेस्टर्स। I allow this water to clean, purify, and release me, my family, and my ancestors from all the failures, spiritual sins, mental sins, material sins, financial sins,
and karmic scenes. Free all the negative and unwanted memories. Free all the negative and unwanted memories and blockages from my diary out. From my diary out. Separate, open and release these unwanted memories. Separate, open and release these unwanted memories and blockages and change these unwanted energies to pure light. And the next line is that line is this line is very powerful. I delete people of the past. I delete people of the past from my DNA with complete forgiveness and unconditional love. I release and allow them to free. And the next line is, I allow all physical. एक बार आप कंटिन्यू करो, सभी लोग कंटिन्यू लिखते रहो, बीच बीच में जहां पे आप पीछे रह गए उसको उसको स्पेस छोड़ दो. आई विल रिपीट इट अगेन, डोंट वरी. ऑल फिजिकल मेंटल आई अलाउ ऑल फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स आई अलाउ ऑल फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर्स and improper behaviors that are based on memories disappear quickly. So this is the entire prayer you have to do to charge the water. Like आप पानी में बोलोगे इसको, like इसको बॉटल को अपने हाथ में होल्ड करोगे या आप इसको चिपका भी सकते हो, अपने उसके ऊपर यूज कर सकते हो. दैट इज आई अलाउ दिस वाटर to clean, purify and release me, my family and my ancestors from all the failures, like jitne bhi generations mein failure hue hain, failures experience kiye hain, generational failures, right, spiritual scenes or mental scenes or kya kehte hain, material scenes and financial scene and karmic scene. Please free all the negative and unwanted memories and blockages from my diary out. Separate, open and release these unwanted memories and blockages. Change these unwanted energies to the pure light. I delete people of the past from my DNA with complete forgiveness and unconditional love. I release all physical, mental, emotional, spiritual problems and improper behavior that are based on memories disappear quickly, right? So this is all, मतलब this is all about the prayer. आपको क्या करना है, सिंपल, आपको बॉटल को पानी लेकर उसको अपने सनलाइट के अंदर रखना है और सनलाइट के अंदर रख के उसके बाद आप इस प्रेयर को बोल सकते हो उस पानी में. एंड आप सभी को पता है कि जैसे ही हम
पानी लाइक वाटर इज़ वेरी वेरी पावरफुल. जैसे हम उसमें इंटेंशन डालते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं. और वाटर को जब हम ये प्रेयर डालेंगे तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीलिंग प्रेयर कर रहे हैं कि जो भी मेरे अंदर मेमोरीज हैं रिलेटिंग टू कर्मास, रिलेटिंग टू फाइनेंसेस, रिलेटिंग टू स्पिरिचुअल, रिलेटिंग टू मेंटल, रिलेटिंग टू फेलियर्स, अगर कोई भी हमारे कोई भी ब्लॉकेजेस हैं इन चारों पांचों एरिया में या मेरे एंसेस्टर्स के थ्रू मेरे अंदर आया है, और उसको आप क्या कहते हैं, आई एम रेडी टू रिलीज इट एंड प्लीज हील एंड क्लीन. इसे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइन को प्रेयर कर रहे हैं. ऑब्वियसली वी आर प्रेइंग टू द डिवाइन, वी आर प्रेइंग टू अवर सुपर कॉन्शियस कि यू कैन हील दिस फ्रॉम अवर सबकॉन्शियस, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेयर. यू कैन सर्च इट ऑन द लाइक ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, आपको पता चल जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेयर्स एंड दिस इज ऑल अबाउट दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल. सो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट इज सेशन ऑन इनर चाइल्ड हीलिंग. एक लॉन्ग वर्जन भी स्टार्ट कर रही हूँ, एक शॉर्ट वर्जन भी स्टार्ट कर रही हूँ, सो दैट कि जो लोग मेरे साथ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी हीलिंग जर्नी में, बिकॉज आप लोगों को इतना अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. सो यू कैन स्टार्ट विद द 4 वीक्स जर्नी, जिसमें हम 4 वीक के लिए वर्क करेंगे. एंड आफ्टर दैट आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग द लॉन्ग जर्नी ऑफ 3 मंथ्स, बिकॉज 3 मंथ्स मैंने लास्ट ईयर भी किया था और लोगों के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया. आप सारे लोग सक्सेस स्टोरी सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर और चेक कर सकते हो कि लोग एज अ पर्सन, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ एज अ पर्सन, यू कैन जॉइन मी ऑन अ 3 मंथ्स जर्नी, जिसमें हर दिन हम हर वीक में हम 4 टाइम मिलेंगे और जिसमें हर चीज़ में आपको सिखाऊंगी. और सिखाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप पर कभी भी अप्लाई कर सकते हो. और इन द 4 वीक्स आई विल बी डूइंग द एवरी सिंगल थिंग. 4 वीक्स में 5 डेज का सेशन रहेगा एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन मी. लेट मी शेयर कि हम क्या क्या करने वाले हैं उसमें. और शेयर द स्क्रीन. हाँ, लेट आई एम शेयरिंग दिस, जस्ट वेट. यस, सो एज यू ऑल नो आई एम ऑल्सो एनर्जी हीलर. सो उसमें हम सबसे पहले तो क्या कहते हैं, सेशंस लेंगे ऑन हीलिंग, ऑन स्पेशली ऑन इनर चाइल्ड हीलिंग. जो भी आप लोगों ने अभी तक हीलिंग मेरे से सीखी है, आपको लग रहा है कि अच्छा ये हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग वो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक मैंने जो सेशन लिया था बिल्कुल स्टार्टिंग वाला था. और इसमें हम अप्लाई करेंगे, इनर चाइल्ड हीलिंग है, एक प्रॉपर हीलिंग है जिसमें हम एज वाइज मेमोरी वाइज वर्क करते हैं एक्चुअली. और इसमें इनर चाइल्ड हीलिंग रहेगी, होपोनोपोनो रहेगा और एनर्जी हीलिंग, दैट इज़ कॉर्ड कटिंग विद द यूजिंग सिंबल्स. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऐसे बोल रहे हो कि मतलब सीधा आई इमेजिन एंड कट द कॉर्ड. नहीं, आई यूज सिंबल्स एंड यू आर गोइंग टू कट कॉर्ड्स विद द योर नेगेटिव मेमोरीज विद द टॉक्सिक पीपल एंड यू विल एक्सपीरियंस ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. एंड बहुत ही पावरफुल हीलिंग मॉडेलिटी है. और इसमें हम स्पेशली शेम एंड गिल्ट के ऊपर मैं वर्क करने जा रही हूँ, बिकॉज शेम एंड गिल्ट होता है जो पर्सन को होल्ड करके रखता है पीछे. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेशन एंड ईडा एंड पिंगला. ईडा एंड पिंगला इज अबाउट फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंसिंग. एंड अनदर वन इज दैट इज ब्रह्म नाड़ी, दैट उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ रिलेटेड इशू होता है, सो
ब्रह्म नाड़ी जब हमारी एक्टिवेट हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो भी इश्यूज होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू दैट एनर्जी हीलिंग में ऑब्वियसली रेकी हीलिंग सेशंस भी आता है. सो ये रहेगा जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है एंड 31 अगस्त तक रहेगा. टाइमिंग इसकी रात को ही रहेगी. क्लासेस 5 days इन अ वीक रहेंगी, मतलब टोटल 20 सेशंस. एंड इसका प्राइस रहेगा 555. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पिंग मी एंड वी कैन स्टार्ट द जर्नी. यू कैन स्टार्ट द जर्नी विद मी बिकॉज लाइक आई डू द सेशंस एवरी ऑलमोस्ट इन एवरी मंथ, मतलब बट लास्ट इन 1 month मैंने कोई सेशन नहीं लिया बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई वॉज हीलिंग माई सेल्फ. एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हील योर सेल्फ, 20 अगर आपको लग रहा है 5 सेशंस में आपको कुछ मिला है, बिलीव मी दीज सेशंस आर वेरी वेरी बेसिक सेशंस. वेरी बेसिक सेशंस थे जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी हमने किया है. और इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो डीपर इन साइड ऑफ यू with the help of me, with the guidance of me, you can join me. And iska 1 hour ka session rahega. Yes, night time rahega. And obviously if anyone wants recordings, kisi ko recording chahiye, for that you have to pay extra, that's it. So you'll also get the recording if you want, for that you have to pay extra. And I matlab main iske recording kyun nahi offer kar rahi, because otherwise log bahut hi wo ho jate ki I'll watch the recordings. एंड इफ़ यू रियली फील लाइक नहीं 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 मतलब 20 सेशंस नहीं, एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो डीपर इन साइड ऑफ योर सेल्फ, यू रियली वॉन्ट टू लर्न हाउ टू कोप अप विद द इमोशंस एंड हाउ टू डील विद इट, और यू कैन जॉइन मी ऑन द 3 months जर्नी. और 3 months जर्नी इज अ टोटली ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. एंड दिस इज दैट इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन द 1st week ऑफ अगस्त ओनली, 1st और 2nd week. सो वो आपके ऊपर डिपेंड है. एंड अगर आप अभी अभी कनेक्ट हुए मेरे साथ तो आई रिकमेंड यू. और अगर आपको लग रहा है कि आपका मेरे साथ अच्छा कनेक्शन है, यू कैन जॉइन मी फॉर 3 months जर्नी. अगर आपको लग रहा है नहीं, आई एम नॉट लाइक आई रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस कि ये क्लासेस कैसे करवाती हैं या कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, जॉइन मी इन द 4 weeks जर्नी. आपके अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाउ पावरफुल द सेशंस आर. एंड 1 thing दैट इज नीडेड फ्रॉम योर साइड, यस, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन. जो भी लोग 3 months जर्नी चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही मैं लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी, बिकॉज वो थोड़ा एक पर्सनल रहता है और पर्सनल टच में और लोगों को पर्सनली गाइड करना होता है. सो इसीलिए एंड इफ़ यू फील लाइक कि ये चीज़ आप कर सकते हो, और इफ़ यू फील कनेक्टेड विथ मी, इफ़ यू फील लाइक आई रियली वॉन्ट टू गो डीपर इनसाइड ऑफ मी, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स सुपर ईजिली. एंड सो दैट आपके अंदर जो नेगेटिव थाट्स हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं, आप उनको समझ पाओ. देर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट द नेगेटिविटी, बट आपको पता हो कि ये क्या चीज़ें हैं और इसको मैं कैसे डील कर सकती हूँ, राइट. और जब आप मेरे साथ सेशंस लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कितना इंपॉर्टेंट है. एंड आई विल ऑल्सो शेयर द सक्सेस स्टोरीज. अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के अंदर आया है, वो लोगों के अंदर एज अ पर्सनैलिटी लोग चेंज हुए हैं, जिन लोगों ने भी मेरे साथ सेशन किया है. सो इट्स अ लाइक जो ये 3 months वाला सेशंस है, ये मैं साल में एक बार ही लेकर आती हूँ. लास्ट ईयर लेकर आई थी और उसके बाद बहुत लोगों ने, जब मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी, बहुत लोगों ने बोला था ये कब आएगा. एंड मैंने उनको ये बोला था कि नेक्स्ट ईयर ही आएगा. सो बिकॉज कुछ एक होता है, बिकॉज इसमें मैं सारी हीलिंग मॉडलिटी यूज़ कर रही हूँ. कहाँ पे 20 सेशन और कहाँ पे हमारे क्या कहते हैं 50+ सेशन हो जाएंगे. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि हम और डीप जा रहे हैं, हम और समझ रहे हैं, हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे. हर चीज़ में खुद साथ में बैठ के प्रैक्टिस करवाऊंगी, दैट्स इट. हम उस हीलिंग में करेंगे और इसमें भी करवाएंगे, बट ये 4 week की जर्नी रहेगी. और इफ़ यू रियली फील इंटरेस्टेड यू कैन पिंग मी. एंड ऑल्सो आई हैव 1 offer फॉर यू ऑल. अगर आप क्या कहते हैं, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, 74 आर हेयर, एंड अगर आप इनरोल करवाते हो विद इन 24 hours, यू कैन पे मी 5000 ओनली. एंड अगर आप 24 hours के बाद आपको लगता है कि हाँ मैं बाद में ज्वाइन करूँगी या मतलब आई नीड सम टाइम, यू हैव टू पे द सेम अमाउंट. So that I can create the group and I can start the, we can start working so that I can prepare you all. जैसे हम ट्री को ग्रो करवाने से पहले, लगाने से पहले पहले मिट्टी को सेटल डाउन करते हैं, वैसे ही अगर आप इनरोल करवाते हो आज, तो हम थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैं कुछ कुछ चीज़ें बताने लग जाऊँगी, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एंड आपका माइंड प्रिपेयर होने लग जाए. एंड फ्रॉम द 1st of August आई एम गोइंग टू
do the sessions, and if you are really feeling it connected, and if you really want to make a connection with yourself, you can join me. And if you really love the sessions that we did till now, if you feel like nahi, I'm not yet ready, it's okay. Don't try to force yourself. And yes, अगर आप कनेक्ट कर रहे हो यू कैन ज्वाइन, अगर आपको नहीं लगा, बट अगर आपने 5 मंथ्स की 5 डेज की आपने अगर जर्नी मेरे साथ इंजॉय करी है, अगर आपको अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द व्हाट्सएप दैट आई रियली फेल्ट और आपके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज आई. और इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू ऑल एंड थैंक यू सो मच एवरी वन sending lots of love and blessings to you, and may these 5 days brings lots of miracles in your life. And this was gift from my side to the universe actually. So many universe ko apni taraf se I followed my intuition and I gave the gift to the universe that I will do whatever it takes and I will do the 5 day session जिसमें मैं आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें बता के जाऊँगी. एंड ये लोग मैक्सिमम चीज़ें नहीं बताते, ये भी नहीं बताते सेशंस में फ्री वाले में, एंड स्टिल वो भी चीज़ें शेयर करी, बट इससे भी ज़्यादा आई एम ऑलरेडी सेइंग कि दिस की जो भी आपको लग रहा है मैंने बहुत चीज़ें बताई, इससे भी ज़्यादा देर इज़ अ ह्यूज ह्यूज चीज़ें हैं जो हमारे अंदर है या बहुत समझने वाली है, जो बहुत सीखने वाली हैं. अगर आप रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, वेल्थ, अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हो जैसे मैंने करा या मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करा, यू कैन जॉइन मी एंड आई होप यू लव द टुडे सेशन. डू लेट मी नो एंड इफ एनीवन वांट्स टू शेयर द एक्सपीरियंस प्लीज लेट मी नो. यस थैंक यू रश्मिका, थैंक यू एंड आई कांट वेट टू सी यू ऑल ऑन द लॉन्गर जर्नी एक्चुअली. Yes, and because it's very, 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 very important, and we can like 5,000 is very, very nominal amount, very nominal. Yes, were we supposed to do Ho'oponopono prayers today? Adi mujhe Shivanji. Yes, if anybody wants to come on the screen, you can come. Just play. Kya kehte hai? Raise your hand. Thank you. Yes. So मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट होंगे वो न्यू ही होंगे जो भी आपको मैं आगे जाके शेयर करूंगी. और हम सेशंस में एज बाय एज, मेमोरीज बाय मेमोरीज के ऊपर वर्क करेंगे. स्पेशली इस बार सेशंस में आई एम गोइंग टू वर्क ऑन शेम एंड गिल्ट. शेम क्या होता है? जब हमें लगता है कि मैं तो अच्छी ही नहीं हूँ. गिल्ट दैट आई डिड लॉट्स ऑफ मिस्टेक, आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक, और मैंने बहुत गलतियाँ करी जिसकी वजह से मुझे गिल्ट है. और इससे क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन आपको कोई थोड़ा सा भी पॉइंट आउट करता है और अगर आपके अंदर डीप शेम है, यू विल फील शेम. आपको लगेगा मैं ही सही नहीं हूँ. और अगर आपने कोई मिस्टेक कर रखी है और आपने लाइफ में कुछ आगे बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आपको फील होगा कि नहीं, आई कैन नॉट अचीव दिस बिकॉज मैंने तो इतने गलतियाँ करी, मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ. सो यस, 1 मंथ जर्नी के लिए फॉर नाउ, फॉर 24 आवर्स के लिए इट्स 5,000 और आफ्टर दैट इट विल बी 5,500 ओनली, 5,555 rupees, 4 times 5. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट शेम एंड गिल्ट. एंड जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, बिकॉज यहाँ से ही हमारा शेम हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर जाता है. सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है कि अरे अच्छा नहीं है, आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ गुड. कितने लोग हैं जो अपने डीप इनसाइड, आप देखो, आप चाहे जितनी मर्जी ऊपर से अफर्मेशन करें, बट आपको लगता है कि नहीं, आई कैन नॉट अचीव दिस because there is deep shame that you are holding on to and there is a guilt inside of you जो कि आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए नहीं दे रहा. आपको लग रहा है मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ें कर ली हैं, बहुत अपनी लाइफ में मिस्टेक्स कर ली हैं, आई एम नॉट अ गुड गर्ल, आई एम नॉट अ गुड बॉय, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहे. आप उसी लूप में बार 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 होते जा रहे हो. सो द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस सेशन विल बी द शेम, गिल्ट एंड ऑब्वियसली द पास्ट मेमोरीज, एंड ऑल्सो
आई ऑल्सो वर्क ऑन पेरेंटल ट्रामा. पेरेंट्स के साथ हमारे जो भी रिलेशनशिप होते हैं, हमारे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हर पर्सन की रहती है, मैक्सिमम लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ रहती है. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क ऑन पेरेंट्स सो दैट वी कैन हील अवर रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स. बिकॉज आपके पापा के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आप वैसा ही रिलेशनशिप अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, राइट? अगर आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, तो आप वैसे ही अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे. अगर आप इफ़ यू आर नॉट शेयरिंग गुड रिलेशनशिप, आई एम नॉट सेइंग कि अरे नहीं हमेशा लड़ते रहते, नो, बट यू आर नॉट फील कनेक्टेड विद योर मदर, दैट मीन्स यू विल फील लैक, यू विल एक्सपीरियंस लैक ऑफ अबंडेंस. मनी और अबंडेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मदर, एंड रिलेशनशिप सिक्योरिटी सेफ्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फादर. एंड इफ यू हैव नॉट शेयर्ड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद योर फादर और मदर, यू विल एक्सपीरियंस दीज इमोशंस इन योर लाइफ अगेन एंड अगेन. दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर योर लव एंड फॉर कमिंग इन टू द सेशन एवरी सिंगल डे. एंड प्लीज़ रीड द बुक दैट इज़ पावर ऑफ नाउ. एंड सेकेंड थिंग इज डू द प्रेयर. एंड थर्ड थिंग इज जॉइन डिम्पल शर्मा इफ यू रियली वॉन्ट टू चेंज एट कोर. So thank you so much everyone, sending lots of love and blessings to you all, and I loved your dedication. Like aap har single day, jitne bhi log hai jo har single day aaye hain, I really loved your dedication and can't wait to see you on a longer journey. On 4 weeks, it's in your hand. Aap 4 mahine, char hafte ke liye bhi aa sakte ho, aap 12 hafte ke liye bhi aa sakte ho, and jitna aap apne aap ko change karna chahte ho, utna aap time le sakte ho. So thank you so much everyone. And